आनंद विहार के रेलवे स्टेशन में आज इट्स वेरी अमेजिंग क्योंकि हमें तो गाँव जाने का मौका मिल रहा है। ढाई घंटे पहले आ चुके हैं बट फाइन जस्ट नाउ आई गॉट माय शॉर्टली इट विल बिगिन एट एट यू गाइस एनी पार्ट ऑफ द वीडियो जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू शू एवरीथिंग एंड फिर हम आपको दिखाएंगे बाहर में बाहर भाव खड़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्रेन एकदम चल पड़ा है। देखो हमारा ट्रेन चल पड़ा बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे गुफ्तगु में जारी रहेंगे और हमारा इंतज़ार कीजिए ताकि हम नया कर सकें। You can see all this is going to be very tenant. तो अभी टाइम हो रहा है 8 और अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है पहुँचने पूरा एक दिन लगेगा तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा ताकि हम आपसे बात करते रहें आप भी हमारी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। हम आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में तक हम आराम करें। हेलो फ्रेंड्स तो अभी 10 बज रहे हैं और अभी हम सो के उठ चुके हैं और अभी बस हम वही सोच रहे हैं कि करना क्या है आगे। मैंने सोचा थोड़ा मूवी देख लूं तो चलिए मैं अभी आपको बाहर के नज़ारे दिखाऊं। सच में ये खेत हरियाली देख के मन बहुत मनभावन हो जाता है। ऐसा शहरों में देखने को ही नहीं मिलता। तो अभी आप देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है और मेरे बाल एकदम खुले हैं तो कैसे हवा में उड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को गर्मी से बहुत राहत मिला। ऊपर सोते ही तो इतना पसीना आ रहा था तो मैं इसलिए नीचे आ गया फटाक से और आप देख सकते हैं कि हवा ने मेरा बहुत ही दिल खुश कर दिया। जिस तरीके से इतनी हवा लग रही थी बाल उड़ रहे थे इससे मेरे को बहुत आनंदित लग रहा था। तो गर्मी से अब राहत मिलने का समय आने वाला था। आप देख सकते हैं कि जैसे कि बारिश होगी तो आई एम होपिंग कि फटाफट से बारिश हो जाए और हमें इस गर्मी से राहत मिले। मुझे इतनी का पोखा नहीं मिल पाया इतने गर्मी में जाना पड़ता है बट इट्स ओके आ रही है वैसे ओके मैं आपके समझ। ये देख के हम पता नहीं कौन से स्टेशन के आसपास है और यहाँ पे एकदम बारिश के आसमान लग रहा है धूप नहीं है तो वो बारिश अगर तो हमारा ये सफर आसानी से और अच्छे से बात करना है तो प्रभु आपके साथ के ये देखिए कैसे बारिश आ रही है। पूरी इतनी गर्मी में गर्म लग रहा था और एकदम से तेज बारिश आई मौसम एकदम बदल चुका है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस बारिश का आनंद लेते हैं चाय की फसलों के साथ मज़ा आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा है गंगा नदी का प्रयागराज। हम हैं अभी इस वक्त प्रयागराज की गंगा नदी जहाँ लोग आगे प्राप्त होते हैं अपने देखिए वहाँ पे बोट भी है जो लोगों को आनंदित कर रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये गंगा नदी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आज ज़्यादा ही प्रसन्न है हमें दुखी करके क्योंकि हम पूरे रास्ते इतनी गर्मी झेलते आए और जैसे ही 4 बजे कि अब थोड़ा 5:40 हो गए हैं दूसरी बार फिर बारिश बरसा। तो आई होप कि आपको हरियाली भी पसंद आ रही होगी साथ साथ सफ़र भी पसंद आ रहा होगा और ये बारिश भी देख के आपको भी बहुत खुशी लग रही होगी। आप ये मौसम भी देख सकते हैं पूरा क्लाउडी क्लाउडी है और ये सारे ग्रीन फील्ड्स हैं कुछ मकान भी हैं। यहाँ बहुत किसानी होती है और यहाँ पे लोगों के गाय बैल बकरी सब चरने भी आते हैं अपना खाना खाने आते हैं। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है इस कुदरत का।
का बहुत मज़ा आता है। आप भी आइए, कभी घूमिए और घूमिए, आप भी ब्लॉग्स बनाइए, बहुत मज़ा आता है। ब्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल है बट आई विल ट्राई फॉर माई लेवल बेस्ट कि मैं आप तक अच्छा अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। बाय। तो मुझे तो ऐसा लगा कि इस ये पूरा नज़ारा देख के कि ये कोई गांव है या खेती का एरिया होगा, जो पूरा ही यहाँ पे बाढ़ आ गया है। तो देखिए पूरा पेड़ वगैरह है, खेती भी, और इतना पानी पानी भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया ये पानी। शाम का वक्त हो रहा है तो चलिए तो भारतीय रेल के लोकल खाना हमें ये मिला है, चपाती, ये पता नहीं शायद पम्पकिन की सब्जी होगी, बस यही सब है। आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग्स पे बने रहिएगा, आगे और वीडियो कतार में है, हम फिर मिलेंगे।